So how I travel Thailand in just 30,000 Indian rupees. अभी तक आप लोगों ने थाईलैंड के सीरीज को तो देख ही लिया होगा और आप में से बहुत लोगों के कमेंट में ये क्वेश्चन आ रहे थे कि मैंने थाईलैंड की ट्रिप को कितने रुपीज़ में कंप्लीट किया और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे लगे थे और अभी अगर आपको थाईलैंड जाना है तो क्या प्रोसेस हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिस वजह से अगर आपको भी थाईलैंड जाना है तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। शुरुआत से शुरू करते हैं और आज फिर एक यूनिक टॉपिक को कवर करते हैं। तो कैसे हो सारे, बढ़िया? तो मैं आपको बता दूं, मैं थाईलैंड टोटल 8 दिन रुका था जिसमें मैं 4 दिन और 4 रात बैंकॉक में रुका और 4 रात 4 दिन फुकेट में रुका। मैंने इन 30,000 में मेरा थाईलैंड का वीजा, स्टे, फूड और ट्रैवलिंग सब अच्छे से मैनेज कर लिया। किसी भी कंट्री को घूमने जाने के लिए आपको सबसे पहले वीजा निकालना पड़ता है। तो थाईलैंड घूमने के लिए आप दो टाइप से टूरिस्ट वीजा निकाल सकते हो। पहला है स्टिकर वीजा और दूसरा है वीजा ऑन अराइवल। स्टिकर वीजा आपको इंडिया से ही निकालना पड़ेगा, पर मैंने लिया था वीजा ऑन अराइवल जिसका मुझे टोटल कॉस्ट इंडियन रुपीज में 5,200 रुपीज पड़ा और इसको अगर मैं थाई बात में कन्वर्ट करूँ तो लगभग 2,200 भात लगा था। हमारे इंडिया के 2.30 रुपए थाईलैंड का एक भात बनता है और ये हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। वीजा ऑन अराइवल जो मैंने थाईलैंड में लिया था वो मुझे मिला था थाईलैंड के एयरपोर्ट सुवर्ण भूमि पे। थाईलैंड का वीजा ऑन अराइवल पहले बस 15 डेज के लिए वैलिडेट रहता था, पर अभी थाईलैंड गवर्नमेंट ने इसको 1 अक्टूबर से 30 डेज के लिए वैलिडेट कर दिया है। मतलब अभी आप थाईलैंड में 30 डेज के लिए वीजा ऑन अराइवल लेकर रुक सकते हो। और बस इतना ही नहीं, थाईलैंड का वीजा ऑन अराइवल या फिर स्टिकर वीजा पाने के लिए आपको उनके कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज के डेट के हिसाब से रूल्स कुछ ऐसे हैं। पहला, आपके पास थाईलैंड जाने की और इंडिया वापस आने की फ्लाइट टिकट होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास कोविड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा, आपकी कंफर्म होटल बुकिंग भी चाहिए। चौथा, आपके पास थाईलैंड में एयरपोर्ट पर शो करने के लिए 10,000 थाई बात भी होने चाहिए और साथ में 2,200 बात वीजा के अलग रखने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने इंडिया में 30,000 इंडियन रुपीज को थाई बात में एक्सचेंज करवा लिया था जिसका मुझे 13,000 थाई बात मिला था। तो मेरे पास 10,000 शो मनी के भी पैसे हो गए थे और 2,200 बात वीजा के भी हो गए थे। तो आप भी अपने पास वाले मनी एक्सचेंज के शॉप से पैसा एक्सचेंज करवा के ही जाना, आपको एक्सचेंज रेट भी अच्छा मिलेगा। तो बैंकॉक जाते ही मैंने अपने हॉस्टल को बुक करवा रखा था खाउसान रोड के पास। अभी आप बोलोगे ये खाउसान रोड होता क्या है? तो खाउसान रोड बैंकॉक की बहुत ज्यादा फेमस जगह है। तो यहाँ पर मैंने 4 नाइट्स के लिए 2,000 इंडियन रुपीस पेड किए जिसका थाई बात में हो जाता है करीब 900 बात। थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में घूमने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाइक टैक्सी। अगर आप बैंकॉक में बाय बस घूमोगे तो आपको बस 12 से 13 भात ही खर्चा लगेगा। जैसे हमारे इंडिया में ओला है वैसे थाईलैंड में ग्रैब नाम से एक ऐप आता है जहाँ से आप बाइक टैक्सी बुक कर सकते हो। बैंकॉक में खाने के लिए आप थाई फूड भी खा सकते हो, पर मैंने यहाँ पर बस इंडियन फूड ही खाया था तो उसका कॉस्ट कुछ ऐसा था। 85 भात में आपको छोले भटूरे मिलेंगे, 20 भात में आपको गुलाब जामुन आ जाएगा, 15 भात की यहाँ पर आपको चाय मिल जाएगी और आपको यहाँ पर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। बैंकॉक में घूमने के लिए और शॉपिंग करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है ये रही। पहले नंबर पर आता है वाट फो टेम्पल जो कि बैंकॉक सिटी से भी पुराना है। दूसरे नंबर पर आता है मेकलोंग मार्केट। इस मार्केट में आपको शॉपिंग करने के लिए भी ट्रेन के पटरी पर से चलना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आता है महानाखाओ बिल्डिंग जो कि थाईलैंड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। फोर्थ नंबर पर आता है खाउसान रोड जहाँ की नाइट लाइफ बहुत ज्यादा फेमस है। फिफ्थ नंबर पर आता है आइकॉन सियाम मॉल जो कि थाईलैंड का सबसे लग्जरियस मॉल है और यहाँ पर आपको दुबई से सस्ता आईफोन मिल जाएगा। और सिक्स नंबर पर आता है प्रथुनाम मार्केट जहाँ पर आपको 100 भात में एक बढ़िया सा टी शर्ट और 200 भात में एक बढ़िया सी जींस मिल जाएगी।
इन सब प्लेसेस की डिटेल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर थाईलैंड की सीरीज में देखने के लिए मिल जाएगी। इतना सब घूमने के बाद मैं निकला बैंकॉक से फुकेत बाय बस, जिसका मुझे कॉस्ट लगा 715 बात। ये सबसे अच्छा और सस्ता वे है फुकेत जाने का। फुकेत जाने का मैंने टिकट कहाँ से और कैसे बुक किया था उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग जाकर मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हो। तो इस वीडियो को मैं 10,000 लाइक्स का एम रखने वाला हूँ, तो अगर आपने 10,000 लाइक्स का एम कंप्लीट किया तो मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग अलग अलग कंट्रीज के वीडियोस लाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम पैसों में कैसे घुमा जाता है अच्छी लोकेशंस पर। फुकेत पहुंचते ही मैंने अपना हॉस्टल बुक करवा रखा था पैटोंग बीच के पास, जो कि फुकेत का सबसे बेस्ट एरिया है रहने के लिए। फुकेत में आपको हॉस्टल और होटल थोड़े से महंगे मिलेंगे एज कम्पेयर टू बैंकॉक। मैं फुकेत में रुका था 4 रात के लिए, जिसके लिए मैंने पे किया था 1600 बात। फुकेत फेमस है अपने नाइट लाइफ, ब्यूटीफुल बीचेस, थाई मसाज, वाटर एक्टिविटी और टेंपल्स के लिए। तो फिर क्या था, वहां जाते ही मैंने फुकेत में घूमने के लिए 2 पैकेजेस को बुक करवा लिया। पहला पैकेज था फिफी आइलैंड का, जिसमें मेरा होटल से पिकअप एंड ड्रॉप इंक्लूड था, साथ ही साथ फूड और स्नॉकलिंग भी इंक्लूड था, जिसके लिए मैंने पे किया था 1500 बात। और मैं आपको भी फिफी आइलैंड का टूर रिकमेंड करूंगा। इस टूर को मैंने कहां से और कैसे बुक किया था उसके लिए आपको मेरी फुकेत की वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो मेरा दूसरा पैकेज था फुकेत सिटी टूर का, जिसमें फिर से पिकअप एंड ड्रॉप इंक्लूड था। इसमें हम गए थे बिग बुद्धा, टाइगर पार्क, जहां मैंने बड़े बड़े रियल टाइगर्स को देखा और छुआ भी। फिर हम गए चैलोंग टेम्पल, इसके बाद हनी फार्म, साथ ही साथ हमने एलिफेंट राइड भी एंजॉय की। तो इस पैकेज के लिए मैंने पे किया 1000 थाई बात। फुकेत में घूमने के लिए बाइक रेंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ना के बराबर है। फुकेत में पर डे का बाइक रेंट का चार्ज 400 बात से चालू होता है। मैंने अपना हॉस्टल पैटोंग बीच के पास बुक करवा रखा था, इसलिए मेरे से हर एक चीज बहुत पास थी, जैसे पैटोंग बीच जो कि फुकेत का सबसे खूबसूरत बीच है। दूसरा था बांग्ला रोड, जो कि फुकेत के एडल्ट नाइट लाइफ के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। बांग्ला रोड में आपको बेस्ट नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स एंड एडल्ट शोज देखने के लिए मिल जाएंगे। और रही बात खाने की, तो फुकेत में भी बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है। तो यहाँ के कुछ प्राइजेस ऐसे है, यहाँ पर आपको एक बिरयानी मिल जाएगी 200 बात की, चिकन बिरयानी मिल जाएगी 250 बात की और वेज बिरयानी मिल जाएगी 150 बात की। फुकेत जा रहे हो और थाई मसाज ट्राई नहीं करोगे तो नहीं चलेगा मेरे भाई। फुकेत में थाई मसाज के चार्जेस 200 बात से शुरू होते हैं, और जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उनका खर्चा अलग लगेगा। और यहाँ के अल्कोहल की भी प्राइस मैंने अपने वीडियोस में दिखा रखी है। अगर आपको और कम पैसों में इस ट्रिप को कंप्लीट करना है तो आप थाई फूड भी खा सकते हो, जो कि आपको बहुत ज्यादा सस्ता मिलेगा एज कम्पेयर टू इंडियन फूड। इन सब चीजों के बारे में अगर आपको और ज्यादा डिटेल्स में जानना है तो मैंने ना पूरी थाईलैंड की सीरीज को अपलोड करके रखा है, तो उसको जाकर आप लोग देख सकते हो, जिस वजह से आप लोगों को एक एक पॉइंट पता चलेगा कि आपको कहां पर कितना पैसा खर्च करना है और आपको कहां से क्या क्या बुक करना है और आप कहां पर रह सकते हो। मैंने हर एक चीज़ वहाँ पर बता दी है, तो जाकर आप इस सीरीज को देख सकते हो और उस सीरीज को भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। तो अभी अगर मैं बात करूँ मेरे फ्लाइट टिकट कॉस्ट की, तो ये सुन के अभी आप लोग शॉक होने वाले हो, क्योंकि मुझे फ्लाइट का टिकट बहुत ज़्यादा महंगा गिरा, क्योंकि मैंने बस 10 दिन पहले इन टिकट्स को बुक किया था। मुंबई से बैंकॉक जाने मुझे फ्लाइट का टिकट पड़ा था 12,500 रुपीज़, इंडियन रुपीज़, और मैंने फ़्लाइट बुक की थी इंडिगो की जाते वक्त। और फिर आते वक्त मुझे फुकेत से मुंबई आना था, तो फुकेत से मुंबई आने का फ़्लाइट टिकट मुझे पड़ा है 17,500 इंडियन रुपीज़। पता है बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है, बट मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, 30,000 रुपीज़ मेरे फ़्लाइट टिकट में ही चले गए और 30,000 इंडियन रुपीज़ में मैंने घूमा है। तो आप लोगों को मुझे यही बताना है, अगर आप 60 डेज पहले फ़्लाइट का टिकट बुक करोगे तो आपको 15,000 के आसपास दोनों आना जाना हो जाएगा आपका 15,000 रुपीज़ में। तो बहुत ज़्यादा बढ़िया आपकी ये ट्रिप हो सकती है। तो गाइज़, आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो जिनके साथ आपको इस ट्रिप को प्लान करना है। तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो गाइज़, मिलूंगा जल्दी मैं आपको एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।